दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट 4-5 सालों से टाटा जो है वो काफी एग्रेसिव रहा है, चाहे वो उसकी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में बात हो, चाहे उसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो या फिर कोई और भी स्ट्रेटजी की बात करें, हर तरीके से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है और मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के लिए काफी ज्यादा उसने मेहनत की है पिछले कुछ सालों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टाटा जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही सेगमेंट्स में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है और इन फ्यूचर जो है वो जो भी सेगमेंट्स बचे हैं उसमें भी लॉन्च करेगा। जैसे आपको बता दूं कि प्रीमियम जो हैचबैक सेगमेंट है उसमें टाटा की अल्ट्रोज है, इसके अलावा आपको बता दूं कि कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट जो है उसमें भी एक नई एमपीवी लाने वाला है, और जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है उसमें वो उसकी अपनी जो एचबीएक्स है उसको लाएगा, और इसके अलावा एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जो होता है उसमें टाटा की ब्लैकबर्ड आने वाली है, इसके अलावा जो कूप सेगमेंट है उसमें एक नई गाड़ी लाने वाला है टाटा। तो यहां पे अगर बात करें इस प्रीमियम ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है टाटा की ब्लैकबर्ड, जो कि इसका फिलहाल अभी कोड नेम है कंपनी के अंदर, तो इसके बारे में अगर आपको बता दूं तो ये जो होने वाली है ये नेक्सॉन और हैरियर के बीच में पोजीशन की जाएगी, और मेरे ख्याल से ये सीधे तौर पर राइवल करेगी जो जीप की कंपस है उसको, क्योंकि वो भी एक जो है प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं आप उसको। और इसके बारे में अगर बताऊं तो ये जो टाटा की ब्लैकबर्ड है ये टाटा और जो चाइना की कंपनी चेरी है इन दोनों के ही एक ज्वाइंट वेंचर के अंडर में बनाई जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो लोग कह रहे हैं कि चाइनीज गाड़ियों को पूरी तरीके से बैन करें तो वो लोग इस बार क्या करेंगे, और मेरे जो वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि चाइनीज गाड़ियों को पूरी तरीके से बायकॉट कर दें तो वो लोग इस मामले में क्या करेंगे, टाटा जो एक इंडिया की कंपनी है और चेरी जो कि एक चाइना की कंपनी है, तो क्या वो इस गाड़ी को लेंगे या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब देखिए, अगर इसके लॉन्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो ये जो टाटा की ब्लैकबर्ड होने वाली है, अब से पहले तक ऐसा लग रहा था कि 2021 के पहले या दूसरे क्वार्टर में इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपको बता दूं इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से हमें देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो लॉन्च है फिलहाल थोड़े दिन के लिए और टाल दिया जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और इसके पीछे एक रीजन और है कोरोना वायरस और पैंडेमिक का, तो ये जो मेन रीजन है इसके लॉन्च को ऐसा लग रहा है कि डाल देंगे। अब यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ जिनको जिनको नहीं पता है, तो ये जो टाटा मोटर्स है ये और चेरी जो एक चाइनीज कंपनी है ये दोनों ही मिलके चाइना में अपनी गाड़ियों को बना रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों से, तो इनके बीच में पिछले 8 सालों से साझेदारी थी चाइना में। अब देखिए इसके अलावा एक चीज आपको और बता दूं, ये जो चेरी है जो चाइनीज कंपनी है ये इंडिया में एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के तौर पर एंटर करेगी, और उसके बाद टाटा मोटर्स के साथ ये आगे जाके जो है साझेदारी कर लेगी, ऐसा हमें कई रिपोर्ट्स में अब तक देखने को पता चला है। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, ये जो चेरी है ये टाटा के साथ मिलने के बाद जो है कई अपने प्लेटफॉर्म्स और जो कई गाड़ियां हैं उसकी जानकारी जो है शेयर करेगी आपस में, और ये दोनों मिलकर इंडिया में फिर कार्स बनाएंगी। तो फाइनली दोस्तों ये सारे ही फैक्टर्स को अगर देखा जाए और फाइनली एक चीज को तैयार किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टाटा की ब्लैकबर्ड है इसको पहले 2021 में लॉन्च किया जाना था, जो कि अब पूरी तरीके से आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब ये साल 2022 तक के लिए जो है टल जाएगा इसका लॉन्च। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट वीडियो टाटा की ब्लैकबर्ड के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने इसके लॉन्च से रिलेटेड, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं टाटा की ब्लैकबर्ड को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो फाइनली अब दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं टाटा की इस ब्लैकबर्ड के बारे में, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो वो मुझे नीचे आप जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टाटा और जो चेरी जो चाइनीज कंपनी है इन दोनों के वेंचर के अंडर में जो गाड़ियां तैयार की जाएंगी क्या आप उनको लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक चाइनीज ब्रांड बन जाएगा क्योंकि उसके साथ कंबाइन होगा, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।